अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हम सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा ईद उल अधा का व्लॉग थोड़ा सा लेट है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो जी, ये शुरुआत जो हो रही है, जो आप देख रहे हैं, यह है चांद रात से, मतलब कि ईद उल अधा की चांद रात। और इतनी रौनकें लगी हुई थी, और ये तो काफ़ी दिन से ही लगी हुई है महल्ले में, इधर उधर सब तरफ। चांद रात को मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं अपने मियाँ के साथ शाम में निकल पड़ी थी कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो मैंने उनसे बोला, चलें जी एरिया में ज़रा हमें भी रौनकें दिखा दें, हम भी जानवर शानवर देख लें, ऐसे तो निकलना होता ही नहीं है। तो हम लोग गाड़ी में ही इधर उधर घूमते रहे, जानवर देखते रहे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे जानवर आए हुए थे, हर तरफ रौनक थी। कभी बच्चे इधर से कोई गाय लेके आ रहा है, तो कोई बकरा लेके भाग रहा है, तो यही सब चल रहा था। खैर, हम जानवर देखते रहे। और फिर मुझे लेना था सामान। सामान में मुझे चावल वगैरह लेना थे, कुछ बेकरी का सामान वगैरह लेना था। मैंने आज ही डिसाइड कर लिया था कि कल माशाल्लाह से ईद के दिन मुझे क्या बनाना है खाने में और मीठे में, तो उसी में कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी। तो मैंने सोचा, चलें जी मैं भी साथ चलती हूँ। वैसे तो मियाँ जी खुद जा रहे थे। सबसे ज़्यादा तो बच्चे इंजॉय करते हैं, क्योंकि आजकल जो लड़के हैं वो रात रात भर जानवरों के साथ ही बैठे रहते हैं, क्योंकि सबकी तरफ ही जानवर आए हुए हैं, और वो एक ही जगह इकट्ठा चार पाँच जानवर बंधे हुए होते हैं। तो बच्चे जो हैं वहाँ बैठे रहते हैं जानवरों के साथ ही, आपस में हंसते बोलते रहते हैं। मतलब जानवरों से हंसते बोलते नहीं हैं, आपस में हंसते बोलते हैं, चाय शाय बंधी रहती है। तो मेरा बेटा भी वहीं रहता है, तो आजकल बड़ी आज़ादी दी हुई है उन्हें, तो वो बहुत लेट भी आते हैं। कि चलो खैर कोई बात नहीं, बड़ी ईद का मौका है तो भाई इंजॉय तो बनता ही है। और मैंने भी अपना ये शौक़ पूरा कर लिया था, घर से निकलने का मौका बहाना मैंने भी बना ही लिया था। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था बाहर, कि इतना लोग इंजॉय कर रहे हैं, जानवरों को लेके जा रहे हैं, उनकी खिदमत ही कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, इसका भी एक अलग ही सवाब है। खैर, हम लोग बेकरी आए, यहाँ तो इतना ज़्यादा रश था कि ऐसा लग रहा था सारी चीज़ें जो है ना मुफ्त में मिल रही हैं। खैर, मैंने वहाँ से कुछ सामान लिया, और साथ में मैंने लिया फिर एक आलू वाला समोसा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद रास्ते है। में फिर एक शॉप से हमने चावल लिए, चावल ख़त्म हो गए थे। और मैंने आज डिसाइड भी कर लिया था कि क्या बनाना है, सुबह लगना है कामों में। पहले तो खैर चांद रात को ही मैंने अपने काफ़ी काम जो है निपटा लिए थे। मियाँ जी मेरे खड़े हो गए थे सुबह नमाज के लिए, कपड़े जो है प्रेस करने के लिए। तो खैर मैंने उनसे बोला, ये काम मैं कर लेती हूँ, कपड़े सब बच्चों के प्रेस किए, मियाँ के किए, हाफ काम जो है मैं तो वो रात में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक अकेली काम शाम करने वाली। तो खैर से मैंने रात ही को कटिंग शटिंग करके रख ली थी, प्याज काट के रख दी थी, टमाटर वगैरह काट लिए थे, दही भी जमाने रख दिया था मैंने, और चिकन मैंने धो के रख दिया था। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये ईद वाले दिन की थी, तो मैंने यखनी भी बना ली थी सुबह में। दही देखें कितना अच्छा जमा है, घर का दही है माशाल्लाह से। मैंने सोचा पुलाव में भी डलना है, फिर रायता भी बनना है। मैंने बनाया साथ में शेर खुरमा, जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे ही हाथ का पसंद है सबसे ज़्यादा। अच्छा, मुझे भी शेर खुरमा अपने ही हाथ का सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं इधर उधर भी जब मिलता है या होता है, तो मैं मीठा तो खैर नहीं छोड़ती, खा लेती हूँ, लेकिन जो मुझे पसंद है वो मुझे अपने ही हाथ का है। सबसे पहले मैंने शीर खुरमा तैयार कर लिया था, क्योंकि खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं था, सब कुछ तैयार था पहले से ही, कटिंग शटिंग हुई हुई थी। ज़रदा भी मैंने बना लिया था, और जो मेरी हेल्पर हैं वो भी आ चुकी थी, घर को साफ़ सुथरा कर रही थी। समेटा मेटा तो सारा हमने पहले ही कर लिया था, तो खैर वो अपने कामों में लगी हुई थी, इधर मैं अपनी कुकिंग शुकिंग में लगी हुई थी। बच्चे नमाज वमाज़ पढ़ के तो आ चुके थे, लेकिन इतनी गर्मी थी कि सारे बच्चों ने शलवार कमीज़ फ़ौरन ही चेंज कर ली थी, और वो अपने उन्हीं कपड़ों पर आ गए थे जो कि घर में थे। खैर, मैं शेर खुरमा लेके अपनी सास के पास गई, मैंने उनको सबसे पहले शेर खुरमा दिया, उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, मैंने उन्हें ईद मुबारक कहा, ईद की मुबारकबाद दी। और ये चनों का सालन और जो पूरियां आप देख रहे हैं, ये मेरी नंदे भेजी थी, उन्होंने नाश्ते में ये बनाई थी, तो उन्होंने काफ़ी देर पहले से ये मुझे भेजी हुई थी। खैर, मैंने एक दो निवाले ही उसके खाए, फिलहाल बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, शायद काम करने की वजह से, और गर्मी भी अच्छी खासी हो रही थी। मेरी हेल्पर जो है उन्होंने भी अपना सारा काम कर लिया था, और वो जाने वाली थी, मैंने उन्हें शेर खुरमा दिया। खाना जो है मेरा उस वक्त तैयार नहीं था, वरना मैं उन्हें खाना भी खिला के भेजती। खैर से उन्होंने भी शेर खुरमा खाया, फिर वो गई दूसरी जगह काम करने के लिए। यहाँ देखें आप, पुलाव जो है वो तैयार है तकरीबन, और दही देखें, ये घर का जमा हुआ दही, यही मैंने पुलाव में भी यूज़ किया था, और यही मैंने रायते के लिए भी यूज़ किया था। खैर से पुलाव शुलाव तैयार था, लेकिन भूख किसी को भी नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी से मिलने भी जाना था।
तो हमने यही डिसाइड किया कि पहले मम्मी से मिलेंगे, फिर हम लोग आगे ही एक साथ खाना खाएंगे। तो मैंने एक बॉक्स में पुलाव निकाल लिया था और एक ये छोटी सी थैली में जर्दा निकाल लिया था। मैंने सोचा कोई भी अगर दरवाजे पे आया तो मैं ये उसको दे दूंगी, लेकिन खैर कोई नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मम्मी के जब जाऊंगी रास्ते में, कोई भी ऐसा नजर आया तो मैं ये उसको दे दूंगी। और देने के लिए जो भी चीज़ मैं निकालती हूँ वो मैं अपने खाने से, अपने घर वालों के खाने से पहले ही निकाल के रख देती हूँ, तो इसीलिए बॉक्स में भी वो पहले ही निकाल के रख दिया था। और ये जो आप तोता देख रहे हैं, प्यारा सा, हसीन सा, खूबसूरत सा, ये मेरे बेटा जो है उसके दोस्त का है, तो वो आया था मिलने के लिए, तो वो इसको साथ लेके आ गया था। तो ये ड्राइंग रूम में था, खैर पकड़ा वकड़ा तो मैंने नहीं था, दूरी दूर से देख के इसकी वीडियो बना ली थी। बहुत ज़्यादा हसीन, अल्लाह की शान, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत। ये दिल तो चाह रहा था पकड़ लूँ, लेकिन वो इतने अपने पर फड़फड़ाता था कि हमें आदत ही नहीं हो तो हमें डर लगता था। तो खैर से चले, इसका भी मैंने आपसे तारुफ करवा ही दिया। खाना हमने खाया नहीं था, अम्मी के घर हम मिलने चले गए थे, क्योंकि मैं और मेरी नंद ने यही डिसाइड किया था कि खाना हम लोगों ने साथ ही खाना है। शीर खुरमा वगैरह जो नंद की फैमिली है उन्होंने खा लिया था माशाल्लाह से, आके नंदोई ने और उन सब ने। अम्मी के घर गए, अम्मी से मिली, मैं 1.5 घंटे वहाँ पे बैठी, और फिर वापसी में हमने रोटियाँ ली, क्योंकि मैं और मेरी नंद जो है हमने डिसाइड किया था हमने साथ खाना खाना है आज का। तो मैंने बनाया था चिकन पुलाव, जरदा और शेर खुरमा। शेर खुरमा तो हम लोगों ने पहले ही खा लिया था। और नंद ने मेरी बनाया है, बीफ का बनाया था उन्होंने स्टू। स्टू को अक्सर लोग प्याज गोश्त भी कहते हैं, तो उन्होंने ये बीफ पहले से ही मंगवा के ईद से पहले ही रखा हुआ था, क्योंकि भाई फ़ौरन ही फ़ौरन हमारे यहाँ गोश्त नहीं आ गया था। तो खैर से दस्तरखान लगाया और पूरा दिन सबने खाना खाया ही नहीं था, तो भूख भी बड़े अपने उरूज पे पहुंची हुई थी। बच्चों ने तो बल्कि अम्मी के घर फ़ोन करे थे, नंद ने भी फ़ोन करे थे, भाई आ जाओ, जो बच्चे हैं ना वो कह रहे हैं अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। खैर फिर हम लोग आए, हम लोगों ने दस्तरखान लगाया, खाना खाया मिलके बैठ के सबने एक साथ, बातें भी चलती रहीं, हंसी मजाक भी होता रहा, और माशाल्लाह माशाल्लाह लग भी रहा था कि भाई ईद का दिन है, रौनक है घर में। लबे शीरी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चिल टाइप का ठंडा अच्छा लगता है, तो ये हमने खूब ठंडा होने के लिए रख दिया था, खाने के साथ हमने नहीं खाया था। काफ़ी देर के बाद फिर हमने इसको निकाला, खाया, और सब ने उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो चुनना शुरू कर दी। किसी ने जेली के ऊपर हमला कर दिया, किसी ने मैंगोज़ के ऊपर हमला कर दिया, मतलब ये चीज़ें चल रही थी। ये तो आप बहुत देख रहे हैं, आराम से मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि जब चीज़ें निकाल रहे थे ना सब, तो हर कोई ये सोच रहा था मेरे हिस्से के लिए भी भाई छोड़ दो जेली शैली। तो जी हमारी जो है ईद है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजरी है, मतलब तो मैं आपको बता दूँ ना गुजर चुकी है, बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, हम तो घर में ही माशाल्लाह इतना इन्जॉय करते हैं कि हमें कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये है ईद का सेकंड डे, और यहाँ पे मैंने बनाया था मैंगो शेक। मेरे मियाँ जो है उनके दोस्त आए हुए थे, रहमान भाई, जो कि हमारे बिल्कुल भाई ही हैं ये समझ लें, बिल्कुल सगे शगे टाइप के, जो हमारा कैटरिंग का सारा जो मामलात हैं वही देखते हैं, वही संभालते हैं। तो मैंने कहा इतनी गर्मी है, वैसे तो वो चाय शौक से पीते हैं, मैंने उनके लिए बना दिया था शेक, और वो मेरे लिए लाए थे हलीम। उन्हें पता है भाभी को जो है हलीम पसंद है, तो वो जब भी आते हैं हलीम या मीठे वाले जो दही बड़े, दही भले जो भी होते हैं वो मेरे लिए ज़रूर लाते हैं। तो खैर अभी तो नहीं खाना था, तो मैंने क्या किया, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने ना ये हलीम फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आज घर में बन रही है कलेजी शलेजी। हम साल में एक ही दफ़ा ही बीफ की कलेजी खाते हैं, वो भी जब जब कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी हुई थी तो उसमें कलेजी जो है हर साल बनती है एक ही दफ़ा, और वैसे बीच में कोई इतना लाइक नहीं करता कि मंगवाए। और ये गोश्त मेरे बेटे के जो फ्रेंड हैं उन्होंने भेजा था, तो मैंने सारा गोश्त जो है वो फिर ट्रे में रख दिया था कि इसको अच्छी तरह से पैकेट्स बना के वॉश वगैरह करके रख दूँ। आज घर में रौनक भी लगी हुई है माशाल्लाह, बहुत मेहमान भी आए हुए हैं, तो सब जो है खाना साथ ही खाएंगे इंशाल्लाह। तो कलेजी तो पूरी होनी नहीं थी, वो तो आपको पता है इतनी कम होती है, तो फिर उसके साथ बने थे घर में कोफ्ते। और ये जो है मानो बिल्ली, बहुत प्यारी सी
क्यूट सी, ये है मेरे देवर की। तो उनकी फैमिली आई हुई थी, तो वो लोग अपनी जो है मानो को, कैट्यू को लेके आए थे यहाँ पे, लेकिन बहुत घबरा रही थी लोगों को देख के। जैसे हमारी मानो है ना, उसका भी बिल्कुल वही वाला हाल था, सब प्यार कर रहे थे और ये भाग के इधर उधर छुप छुप के बैठ रही थी। खैर यहाँ जो है मिर्चे शिरचे कट रही हैं और ये कलेजी में डलने के लिए, तो मेरी नंद बनाती हैं कलेजी, और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त कलेजी वो बनाती हैं। आज तक जितनी बार भी कलेजी बनी है उन्होंने ही बनाई है, एक कलेजी और एक पाए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती हैं, सबको इतनी पसंद आई, ना कोई हींक ना कुछ। वैसे तो हम लोग नहीं खाते कलेजी, लेकिन जब कुर्बानी होती है तो वो हमारे घर में ज़रूर बनती है और वो सब खाते भी हैं। आती तो सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि अगर कलेजी से ही पूरा पड़ जाए तो फिर दूसरा सालन ही ना बने। तो खैर से, और यहाँ अब्दुल्ला जो है ये वॉच दिखा रहे हैं, ये मेरे जो नंदोई हैं उन्होंने गिफ्ट करी है इसको, साथ में उन्होंने बॉल भी दी थी, ऊपर गए होंगे तो बस वो लगे पड़े हैं अकेले खेलने, क्योंकि भाई इनसे बड़े हैं तो वो जो है इनके साथ खेलते नहीं है। हाँ मेरे जेठ के बेटे इनके साथ ज़रूर खेलते हैं, बहुत टाइम देते हैं इनको, उनकी इनसे दोस्ती भी बहुत है, बनती भी बहुत है आपस में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू। खाना बन चुका था और दस्तरखान लग रहा था, सारी फैमिली बैठी माशाल्लाह, जिस जिसको भूख लग रही थी वो बैठते गए, और जिस जिसको भूख नहीं लग रही थी उन्हें बाद में कलेजी नहीं मिली, क्योंकि कलेजी ख़त्म हो चुकी थी तो वो उससे महरूम हो गए। खैर कोई बात नहीं जी, ये मेरी देवरानी है जिन्हें आप जाता हुआ देख रहे हैं, खैर खाना वाना लगवा रही थी ये। मैंने तो अपनी ईद आपके साथ शेयर कर दी कि हमारी ईद कैसी गुजरी, हमने क्या पकाया, क्या खाया, क्या क्या किया। हाँ इस ईद पे हम लोग कहीं गए नहीं हैं, वैसे हमारे बाहर का चक्कर ज़रूर लगता है, कोई गोलगप्पे शोलगप्पे खाने हम जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से भी नहीं गए, मसरूफियत भी थी इसलिए नहीं गए। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी आप भी बताइएगा, कैसी गुजरी, कहाँ गए, क्या किया, क्या पकाया, क्या खाया, तो आप लोग भी कमेंट्स में अगर हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपके साथ थर्ड डे भी शेयर कर दूं, थर्ड डे हमने बनाई थी चने की दाल गोश्त, हमने नहीं मैंने सॉरी, क्योंकि मेरे मियाँ का बहुत दिल चाह रहा था दाल खाने का, ऐसा लग रहा था हमने पता नहीं कितना गोश्त खाया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरे मियाँ ने तो खैर बहुत ही कम खाया था। तो मैंने साथ में चावल बनाए थे और बनाया था चने की दाल गोश्त बीफ में, बहुत अच्छा बना था और बहुत अच्छा लग रहा था। वीडियो करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो में मिलेंगे, उसमें मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगी, आप सुनिएंगे तो आप कहेंगे हैं ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, इतना हमने सात पर्दों में रखा फिर भी ये हो गया। चले भाई अपना ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।